धन्यवाद 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 देते पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते जीवित परमेश्वर के लिए पिता, धन्यवाद हो पिता, जितना धन्यवाद करें हमारी जिंदगी उससे कम है पिता, हम क्या लाए पिता, हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, और हमारा सौभाग्य हम समझते हैं पिता कि आपने हमें इस योग्य करा पिता परमेश्वर, कि हम अपने लोगों के बीच में पिता एक संगति, एक आराधना और एक वचन को सुनने वाले हो सके प्रभु, हमारे साथ साथ बने रहने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी उपस्थिति के लिए हमेशा आपका धन्यवाद देना चाहती पिता, धन्यवाद देती पिता, दिन भर की रक्षा, मदद और सुरक्षा के लिए पिता, आपने हर वक्त हमारी सुधी ली पिता, हर वक्त आप हमारे साथ साथ बने रहे पिता, हर एक प्रकार के एक्सीडेंट और खतरों से हमें लिए चले पिता, आपकी उपस्थिति के अनुसार हम सारे कार्य करने पाए पिता, हम दिन प्रतिदिन पिता हम आपको स्मरण करने वाले हो सके पिता, यह हमारे मन में उद्देश्य दीजिए पिता परमेश्वर कि आप ही हैं जो सब कुछ है पिता, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते पिता, इस पृथ्वी पर रह के अगर आपको पहला स्थान हमने नहीं दिया तो हम कुछ भी नहीं है पिता, हम कुछ भी नहीं है प्रभु, आप हमारी बुद्धि और भंडार को खोलिए पिता, ताकि हम आपके नज़दीक को और अधिक गहराई से समझने वाले हो सके पिता, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते हमारे जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर, आपने हमें सिर से लेके पांव तक छुआ पिता, और सचमुच में पिता हमारे दिन चर्या में आप हमेशा उपस्थित रहते पिता, हमारी रक्षा करते हमारा पिता परमेश्वर, ये बड़ा सौभाग्य है पिता परमेश्वर कि हम जीवित लोगों के बीच में जीवित पाए जाते हैं पिता, ये पिता परमेश्वर ये आपकी ओर से हमारी ओर से वरदान है पिता, कि आपने हम में से हर एक को प्रदान करा पिता, हर एक को सुबुद्धि दी पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर सचमुच में हम एक महान परमेश्वर पिता के चरणों में बैठते हैं पिता, और धन्यवाद 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 देते हैं पिता, इस घर के लिए पिता परमेश्वर जो आपकी बहन ने पिता खोला है पिता, आपकी दासी के लिए विशेष प्रार्थना करती प्रभु जी, जो आपने पिता परमेश्वर इस घर के अंदर रखा है पिता, संभाल के रखा पिता, हर एक प्रकार के दुखों से उभारा है पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की दुख मुसीबतों से पिता परमेश्वर उन्हें उभार के पिता परमेश्वर आपने अपने लोगों के बीच में एक आराधना का मौका दिया पिता, धन्यवाद 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 देते पिता, डाक साहब के जीवन के लिए पूरी तरह आपके हाथ में सौंपते पिता, जब वो जहाँ कहीं भी आपके नाम का प्रचार करती है, आपके नाम से मरीजों की सेवा करती पिता, आपके आप उनके हाथों को पिता परमेश्वर सुरक्षित कर रखिए पिता, और जहाँ कहीं भी अपने आप को देती है पिता परमेश्वर मरीजों के बीच में पिता, ये अपना 100 गुना फल उत्तम रीति से पाने वाली हो सके पिता, जहाँ जहाँ इनकी सेवकाई होती पिता परमेश्वर भरपूरी से पिता परमेश्वर आप इन्हें दीजिए पिता, और जो कुछ इनकी आवश्यकता है पिता आपके पवित्र भंडार से पूरा करिए पिता, धन्यवाद 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 देते पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर सुंदर बालक के लिए पिता जो इस घर के अंदर आपने दिया पिता, इस जवान बेटे को आपके हाथ में सौंपती पिता, पूरी तरह से आप इससे इस्तेमाल करिए पिता, और अधिक से अधिक अधिक से अधिक पिता आपके चरणों के नजदीक ये बना रहे पिता, ये बालक को आपने उत्पन्न करा है पिता, और आपने ये सौभाग्य समझा है पिता परमेश्वर कि आपके द्वारा से जो कुछ वचन बोया जाता है पिता 100 गुना फल इसकी जिंदगी में उतरने पाए पिता, इस बच्चे के जीवन के साथ साथ बने रहना पिता, जो कुछ इसकी आवश्यकता है पिता आपके पवित्र भंडार से पूरी करना पिता, जहाँ कहीं भी अपने कार्य को लगाते हैं पिता आप इसके साथ बने रहता पिता, आपकी उपस्थिति हमेशा इसके साथ साथ बनी रहे पिता, कोई भी शैतानिक रास्ता इसे रोकने ना पाए पिता, इस जवानी के दिनों में पिता अपने सृजनहार को स्मरण करे पिता, और 100 गुना अपने शरीर से अपने बल से अपनी आत्मा से पिता आपको स्मरण करे, और अपना पहला स्थान आपको देने वाला हो सके पिता, ऐसा इसे वरदान दीजिए, ऐसी बुद्धि और ज्ञान का भरपूरी दीजिए पिता, ताकि और अधिक आपके वचन की गहराई को पढ़ते हुए पिता अपनी माता का और इस पूरे परिवार का ध्यान रखने वाला हो सके पिता, धन्यवाद 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 देते पिता, इस घर के दरवाजों को आपने खोल के रखा पिता, ताकि जो कुछ इसके अंदर आया जाएगा वो 100 गुना आशीष का फल पाया जाएगा पिता, हम यही विशेष प्रार्थना करते हुए पिता इस पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंपते पिता, यहाँ उपस्थित हर एक जन के साथ होना पिता, हर एक के पास
बहुत सारा काम है पिता, लेकिन आपने हमें ये सौभाग्य दिया पिता कि कुछ क्षण बैठकर हम आपकी आराधना स्तुति करने वाले हो सके पिता, ताकि उसका 100 गुना फल हम में से हर एक के जीवन में उतरने पाए पिता, हम में से हर एक का जीवन गवाही के द्वारा से उत्पन्न हो पिता। एक गवाही ऐसी मात्र है पिता, एक खंभा है पिता, मैं जानती हूँ पिता, एक गवाही के द्वारा से पिता शैतान हमारे रास्तों से दूर चला भागता है पिता, और हम चाहते हैं पिता कि हमारे जीवन की दुर्घटनाएं, दुख मुसीबत जो कुछ घटी है पिता, हम आपके चरणों में लाते हैं पिता, आपके क्रूस के नजदीक लाते हैं पिता, कि हमारा जीवन आज तक इतना संभाला उसके द्वारा से हम आपका नाम को ऊंचा उठाए पिता, ताकि देश विदेश में पिता हमारा नाम नहीं लेकिन आपका नाम ऊंचा किया जाए, आपके नाम को बलपूर्वक पिता लोग इस्तेमाल करें पिता, और पिता पढ़ने से सुनने से पिता लोगों का मन परिवर्तन होने पाए पिता, यही हमारा सौभाग्य है पिता। हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं आते प्रभु, लेकिन हम बड़े खुश है पिता, वह आत्मा के 9 फल हम में से हर एक में ऊंढे ले जाए पिता, ताकि हम इस संसार में जितने दिन हमारा जीवन है पिता, हम हमारी इच्छा से नहीं लेकिन आपकी इच्छा अनुसार हम पूरा करने पाए पिता। हमारा ये छोटा सा झुंड आपको ग्रहण योग्य और भाने योग्य हो पिता, एक एक के जीवन में बच्चे से लेकर जवान तक बूढ़े तक हर एक को आपके चरणों में लाती हूँ पिता, हर एक जन आपने अपने नाम से पिता परमेश्वर ये गवाही रखे, ये बताया जाए पिता कि हमारा पिछला जीवन कैसा था, और आज हम आपको पिता परमेश्वर कितनी आशीषों से माला माल करा पिता, कितना हमें पिता आजादी भी संसार में रखे पिता, हर एक प्रकार के शैतान के रास्तों से हम उभरते चले गए पिता, और इस मुकाम तक पहुंचे पिता कि आज प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया जाए पिता, ताकि हमारा परिवार बचाया जा सके पिता, ये हमारा सौभाग्य हो पिता। हम डरे नहीं, भय से जीवन नहीं निकाले पिता, हाँ हम जानते पिता इस महामारी से कई लोग चले गए हमें छोड़ के पिता, कई परिवार दुखी है पिता परमेश्वर, लेकिन ये संसार का जीवन थोड़े समय का है पिता, हम जानते हैं पिता एक न एक दिन हम सब स्वर्ग के राज्य में मिलने पाएंगे पिता, हम मिलने पाएंगे पिता परमेश्वर, इसलिए हम इस संसार के दुखों से यहीं नहीं रह जाएं पिता, लेकिन हम आपके वचनों के द्वारा से लोगों को और अधिक एक्साइटेडमेंट करें, और उन्हें आगे से आगे अपने जीवन के बारे में बताते हुए उन्हें और अधिक आपके नजदीक में लाने के लिए मौका दिया जाए पिता। हम में से हर एक ऐसे सुधी लेना, दया करना पिता, हम पापी अपराधी गुनेगार हैं प्रभु, हमने मन वचन कर्म से आपके विरुद्ध पाप किया पिता, लेकिन फिर भी आपने हम पे ऊपर दया करी पिता, दया करी प्रेम दिया पिता, वो प्रेम आपके द्वारा से उंडेला जाए पिता, जिस प्रकार आपने लोगों से प्रेम रखा उसी प्रकार हम सब आपस में एक दूसरे से प्रेम से रहने वाले हो सके पिता। हम अपने आप को दीन और नम्र करते पिता, हम अपने आप को घुटनों के बल लाते पिता, हमारा क्या मजा ले प्रभु कि हम पिता आपके बिना जीवन जिए पिता, लेकिन हम आपको पहला स्थान देते हैं पिता, पहला स्थान देते पिता। आपने कहा है आज का दिन तेरे लिए बहुत है पिता, हम आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारा सौभाग्य हुआ कि हम सब भाई बहन मिलकर अपनी बहन के घर में पिता आराधना और स्तुति करने वाले हो सके, इनकी जो कुछ आवश्यकता है प्रभु आप इनको पवित्र भंडार से पूरा करिए पिता, जो कुछ कमी घटी है पिता हर एक प्रकार के शैतान के बंधन से इन्हें मुक्त करिए पिता, इस घर को पूरी तरह आपके लहू के बाड़े से बांधती हूँ पिता परमेश्वर, और ये मॉर्निंग ग्रुप पिता हमारा छोटा सा ग्रुप है प्रभु, लेकिन आपने कहा है जहाँ मेरे नाम से एक या दो इकट्ठे होंगे मैं उनको आशीषित करूंगा पिता, हाँ सचमुच आपने हम सबको आशीषित करा है पिता, हम विशेष धन्यवाद देते हैं डॉक्टर साहब के लिए पिता, जो पूरी मेहनत और लगन से पिता परमेश्वर हमारे ग्रुप को लिए चलते हैं पिता परमेश्वर, आपने आपके दास के मन में ये उंडेला पिता कि हम सब पिता इस अंत के दिनों में चल रहे हैं पिता, ताकि इस अंत के समय में हम महत्वपूर्ण दिन को समझने वाले हो सके, और अधिक पिता हम ऐसी संगति करें एक दूसरे के साथ बने रहे पिता, आपने कहा है अपने लोगों से कभी दूर न हटना और उनके लिए रात और दिन प्रार्थना करना,
जो दुखी है, लाचार है, बीमार है पिता, हर एक को आपके नजदीक लाती पिता। यहाँ कैंपस के हर एक आसपास के रहने वाले हर एक जन को आपके पास लाती पिता। जो नॉन क्रिश्चियन है पिता वो भी ये समझ नहीं पाए पिता, और अंत के दिनों में आप छू लीजिए पिता परमेश्वर, छूइए पिता परमेश्वर, ताकि आपका वचन 100 गुना आशीष का फल उंडेला जाए पिता। और जो कुछ यहाँ से पिता आपके द्वारा से, आपके बेटे के द्वारा से जो गवाही दी जाती है पिता, वो लोगों को सुनाई जा सके पिता, और लोग जान सके पिता परमेश्वर कि हम किस तरह का जीवन हमारा व्यतीत था, और आज हम किस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाने में और ऊंचा उठाने में हम लगे रहे पिता। हम में से हर एक के साथ साथ बने रहना पिता, और इस आराधना के ऊपर अपना पवित्र आत्मा का हाथ उंडेलना पिता। इस जगह में पिता पवित्र आत्मा उंडेला जाए पिता, ताकि हर एक जन की आंखें खुल जाए, हर एक जन की कान खुल जाए पिता परमेश्वर। और जो कुछ आप हमें शिक्षा देना चाहते हैं पिता, हम दिन प्रतिदिन आपके नजदीक में बनते चले जाए पिता। जितने भी छोटे बच्चे हैं इनको आशीषित करना पिता, इन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा देना, ताकि अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से करने वाले हो सके पिता। दासा को फिर आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, पूरे परिवार को, उनके पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंपती पिता, जो इतनी मेहनत करते हैं पिता, और हमारे लिए इतना लगन से प्रेम से पिता परमेश्वर हमको एक दूसरे के साथ उठाते हैं पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके दास को पूरी तरह छुए पिता परमेश्वर, और वो 100 गुना का आशीष का फल लेने पाए पिता, और उनके द्वारा से हम भी आशीषित होने पाए पिता। धन्यवाद 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 देते पिता, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है पिता। हम जानते हैं पिता हमारे मांगने से पहले हमें सब कुछ देने वाले पिता हैं प्रभु, तो हम कैसे हम आपको भूल सकते हैं पिता। हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता, बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता। स्वस्थ और भला चंगा रखने के लिए पिता, स्वस्थ और भला चंगा के रखने के लिए सिर से लेके पांव तक आपने हम में से हर एक को छुआ पिता, हर एक को घरों को सुरक्षित और अच्छा रखा है पिता परमेश्वर। ये हम जान ले पिता कि हम हमारी मर्जी से नहीं, लेकिन आपकी मर्जी के अनुसार हम जिए पिता परमेश्वर। ये जो हमारी नौकरियां है पिता परमेश्वर, ये भी आपके द्वारा से दिया हुआ वरदान है पिता, और जो नौकरी से रिटायर हुए वो भी आपकी ओर से वरदान है पिता परमेश्वर, कि उनको आपने आज तक संभाला पिता, और आज तक जीवित प्राणी के बीच में रखा है पिता। इसलिए ये हमारा सौभाग्य, हम समझे पिता कि आने वाले दिनों में हम आपके लिए खड़े होने वाले हो सके, और इस महामारी से हमें बचाइए पिता। नाना प्रकार की महामारियां फैल रही है पिता, लेकिन हम डरे नहीं, हम भयभीत ना हो पिता, लेकिन हमको आप जीवित परमेश्वर के बीच में हम डेरा करते हैं। हम आनंदित है प्रभु, हम आनंदित है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें बचाया है पिता, हर एक दुखों से उभारा है पिता परमेश्वर, हर एक की आप सूदी लेना, हर एक की सहायता और अगुवाई और मदद करना पिता परमेश्वर। जो कुछ यहाँ बजाया जाएगा, जो कुछ गाना गाया जाएगा पिता, वो स्वर्गीय स्थान में पहुंच जाए पिता, ताकि हमारा फल हम पिता इस पृथ्वी पर लेके पाने वाले हो सके, ताकि हम एक दिन जब यह संसार छोड़ के जाएंगे पिता, तो हमारे नाम को नहीं लेकिन आपके नाम को ऊंचा उठाए पिता। धन्यवाद 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 पिता, आपने प्रार्थना का बोझ दिया, हर एक को प्रार्थना का बोझ दीजिए पिता, हर एक को प्रार्थना दीजिए पिता, ताकि हर एक जन अपनी छोटी छोटी प्रार्थना के द्वारा से आपके नजदीक बने रहे पिता। धन्यवाद 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 देते पिता आज के वचन के लिए। हम 100 गुना आशीष का फल हमारे जीवन में डालिए पिता, ताकि हम उसमें मनन चिंतन करें पिता, और अधिकाई से हम आगे बढ़ते चले जाए पिता। धन्यवाद 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 पिता, इस छोटी सी दुआ को सुनिए और ग्रहण कीजिए, मांगते हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से। गीत नंबर 95, 96, 97 हो जय जयकार जय जयकार जय जयकार करें। हो जय जयकार जय जयकार।
Hallelujah.
102 संतोष मड़ हां संतोष मड़ी Thank you.
परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में Ali.
परमेश्वर इन लोगों को कहां से लेके चला? मिस्र से। क्या संकेत था? पाप से निकाल करके तुम्हें कहां ले जा रहा है? प्रॉमिस लैंड ले जा रहा है, प्रतिज्ञा किए हुए देश ले जा रहा है। लेकिन मजेदार स्थिति यह है, यदि कैलकुलेशन देखें तो करीब 6 लाख लोग 20 साल से बड़े पुरुष, 6 लाख 20 साल से बड़े, और 6 लाख स्त्रियां, 6 और 6 20 साल से छोटे, इतने ही, टोटल कितने लोग हैं? 24 और जानवर मनुष्य से ज्यादा रहते हैं, फिर भी हम इतने ही जोड़े, 24 लाख जानवर, टोटल कितने हो गए? 48 प्लस माइनस 2 कर लो, टोटल कितने हो गए? रतलाम की जनसंख्या कितनी? 6। 50 लाख लोगों को खाना खिलाना रोज का, 50 लाख प्राणियों को पानी पिलाना, 1-2 हो तो समझ में, 1000 का खाना कर दे कलीसिया में तो मुझे नीचे हो जाते 2-2, 3-3 दिन, महीने भर की फील्डिंग। परमेश्वर क्या कर रहा है? कितने लोगों का जीवन? और मालूम, चूंकि मन सही नहीं था, मन जीवन भर कहां मिस्र में क्या करके गुजारे? गारे में, सुबह से उठते गारा गुदते, ईंट बनाते पकाते और बना रहे, तो दिमाग भी क्या हो गया? वैसी गारे जैसा हो गया। अब क्या हुआ? जो मिलता उससे खाना खाना, पहनना, नाचना, है ना? और क्या हुआ जब प्रॉमिस लैंड में आ गए, प्रॉमिस लैंड की ओर चलने लगे, तो परमेश्वर जो है जब इनको लेके आया, एक भी घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, एक भी घर में रात में आग का खंबा जो इतना था कि उस तंबू से स्वर्ग से नीचे उतरता दिखाई देता, और करीब 45 किलोमीटर तक उसको देखा जा सकता था, इतना जबरदस्त खंबा था वो आग का। और दिन में वही खंबा बादल में बदल जाता। हर घर का जो दरवाजा है, मेन दरवाजा, वो कहां है? उस आग की ओर। घर में रोशनी किससे हो रही है? वो घास लेके चले थे क्या? लकड़ियां लेके चले थे क्या? कंडे लेके चले थे क्या? न जोत रहे हैं, न बो रहे हैं, न काट रहे हैं, और परमेश्वर खिलाया जा रहा है। लेकिन क्या है? थैंक यू नहीं। इतनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई धन्यवाद नहीं, खाने के लिए कोई धन्यवाद नहीं। मजेदार स्थिति, जो बच्चे छोटे छोटे चले थे, ये बड़े बड़े हो गए। इन 40 सालों में जो कपड़े थे ना, ये कपड़े भी साइज में बड़े होते गए, ये पांव भी साइज में बड़े होते गए, जो जूते चप्पल छोटे छोटे थे उन दिनों, वो जूते चप्पल भी बड़े होते गए। अब जूते चप्पल कहां से लाए? लेकिन इनकी उम्र के हिसाब से वो कपड़ा, हम मार्केट में जाते हैं तो किसी का 20, शर्ट का साइज 20 है, किसी का 22, 24, 28,
तीस बत्तीस छत्तीस चालीस चुम्बालीस छियालीस, ये 46 साइज हो गई कहां से? वो 20 से छोटे से, वो छोटी सी चप्पल पांव सूजे नहीं, पांव में फफोली नहीं पड़े, लेकिन क्या नहीं है? थैंक यू नहीं, थैंक यू नहीं है। कोरोना में मैंने बताया कि जहां मैं हूं अस्पताल में, वहां मरीज घुसता था ना तो पहले बोलते थे देख भाई तेरे पास पैसे हैं कि नहीं, पहला सवाल क्या? पैसे, क्योंकि एक दिन आईसीयू का खर्चा 25,000 मिनिमम कितना लगना है, और यदि 10 दिन रुक गए तो 2.5 लाख। तो आपको पहले समझा दिया, बाद में गाने नहीं गाना है ना कि साहब ये हो रहा, मुझे लगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रिसिटी का सबका पैसा तो ले ही रहे हैं आपसे। परमेश्वर हमें बचपन से क्या दे रहा है? ऑक्सीजन दिए जा रहा है, 2 से 3 लीटर पर मिनट हम ऑक्सीजन पिए जा रहे हैं। 3 लीटर का 3 हॉर्स पावर के बराबर का हार्ट पंप करता है बचपन से, 5 मिनट का भी आराम नहीं लिया है। किसी दिन बोले आज थक गए यार। दुनिया की सबसे अच्छा वेंटिलेटर आपके फेफड़े से अच्छा नहीं है, दुनिया का सबसे अच्छी डायलिसिस मशीन आपकी किडनी से अच्छी नहीं है, दुनिया का सबसे अच्छा टेलीविजन, आप 20 पिक्सल समझते ना, 110 पिक्सल 100 पिक्सल समझते ना, आपकी आंख 500 पिक्सल से ज्यादा है। आज तक इतना अच्छा कैमरा आपकी आंख के बराबर, दुनिया का सबसे अच्छा साउंड सिस्टम आपके कान से अच्छा, आपका दिमाग दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर जैसा है, दुनिया का सबसे महंगा रोबोट जापान के पास में है $5 अरब, लेकिन उसकी उंगलियां इतनी अच्छी नहीं चलती जितने हमारे हाथ पांव चलते। कितनों निक के पास थैंक यू शब्द, प्रभु धन्यवाद कि आज जिंदा है तो एक बार भी बिल दिया आपको कि बोले बहुत ऑक्सीजन ले लिया तूने, बहुत इलेक्ट्रिसिटी ले ली, सूरज की रोशनी फ्री में खाया जा रहा है, ऑक्सीजन पिए जा रहा है, पानी पिए जा रहा है, क्या चीज चाहिए? दिल से धन्यवाद। और ये इजराइलियों में भी था, ये चीज मन्ना खा रहे थे, स्वर्गीय मन्ना खा रहे थे, स्वर्गीय रोटी खा रहे थे, लेकिन थैंक यू नहीं, थैंक यू नहीं, रोशनी दिन में रात में, थैंक यू नहीं। और परमेश्वर क्या चाहता था मालूम, कि मैं तुम्हें कहां से लेके चल रहा हूं? इस बाप की जगह से प्रॉमिस लैंड में लिए चल रहा हूं। इसीलिए देखें आयत नंबर 1 में देखें क्या लिखा है, क्या लिखा है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सभी पर चलने की क्या करना, कॉशियस रहना, संभल के चलना, चौकसी करना। नंबर 1, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। और सबसे बड़ी समस्या क्या है मालूम, आज्ञा चलना, आज्ञा मालूम हो तो चले ना, आज्ञा मालूम ही नहीं तो क्या खाक चलेंगे, है ना। रूल्स मालूम हो तो रेगुलेशन करें, रूल्स ही नहीं मालूम है। परमेश्वर का आत्मा ये बात हमारे लिए सामान्य कर देता कि वो आज हमारे अंदर रहता है,
वो हमारे अंदर हमें गाइड करता। अब उन दिनों ये नहीं लिखा था पिक्चर जाए या नहीं जाए, टॉकीज जाए या नहीं जाए, थिएटर जाए या नहीं जाए, नाच गाना करे कि नहीं करे, बड़े पब में जाए या नहीं जाए। तो एक कॉन्फ्रेंस में ऐसा पूछा मुझसे, तो मैंने बोला आपके अंदर कौन है? पवित्र। थिएटर लेके चले उसको, पब लेके चले उसको, बोले आज नाचेंगे यार बढ़िया, आज खाना खाएंगे बढ़िया, आज ड्रिंक करेंगे, आज एडल्ट्री करेंगे, ये होगा? बोले कहाँ लिखा है यार, कहाँ लिखा है यार? और क्या लिखा फिर उसके आगे? चौकसी करना कि तुम क्या रहो, जीवित रहो, और क्या करते रहो, बढ़ते रहो। और जिस देश के विषय में, अब जो उनका देश है वो कौन सा देश है? प्रॉमिस लैंड। हमारे लिए कौन सा देश है? स्वर्गीय जीवन। जिस स्वर्ग में तुम ले रहने के बात मैं तुमसे कर रहा हूं, वहां ये सब चीजें नहीं चले, नहीं चले। इसकी प्रैक्टिस कहां से करना? यहीं से शुरू करो, यहीं से शुरू करो। और क्या करो? दूसरी आयत में लिखा है स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा इन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसीलिए ले आया है कि तुझे क्या बनाए? प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्गीय जीवन में क्या कमी थी? सारा स्वर्ग किसके सामने झुकता? स्वर्गदूत किसके सामने झुकते? उसका विस्तार स्वर्गों में, स्वर्गों में उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके चरणों के झुकी। दुनिया का कोई कैमरा उसको कैद नहीं कर सकता, दुनिया का कोई सैटेलाइट उसको कैद नहीं कर सकता, उसके पिक्चर ले लेता। इतना अविस्तृत परमेश्वर अपने आप को लिमिटेड कर रहा है, ग्रह मंडल में से भी एक ग्रह को चुना और वह अर्थ, उसमें से भी कहा होना चाहिए? सोने के महल में, सोने के बिस्तर पे होना चाहिए, लेकिन कहा आया? चरनी में आया, गौशाला में आया। स्वर्गदूतों को कैसा लग रहा हो? जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं वो कहां पहुंच गया? किन लोगों के कारण? किन के कारण? ये मनुष्यों के कारण, ये मनुष्यों के कारण। मुझे एक राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, तो मैंने आपको बताया था कि जब दिल्ली में गए तो मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, मैं 21 साल का ही रहा हूँ। So, तीन तीन लेवल पे चेकिंग। उस समय लेवल नंबर वन, लेवल नंबर टू, लेवल नंबर थ्री, तब राष्ट्रपति आएंगे। मेरे समय में नीलम संजीव रेड्डी थे, उनसे अवार्ड लेने थे। So, जब अमेरिका के राष्ट्रपति वगैरह जैसे बड़े लोग रहते हैं, और बड़ी डॉक्टरी कॉन्फ्रेंसेस भी जो इंटरनेशनल लेवल की रहती हैं, उसमें प्रोटोकॉल रहता है कि ये ड्रेस पहनोगे, कोट ये कलर का, शर्ट ये कलर का, टाई ये कलर की, जूते ये कलर के, और ये मैप, और इस मैप में आपकी जगह वो, इधर उधर भटकते फिटे रखते मत पहुंचना, सीधे कहां पूछोगे? वहां। और जब आपके प्रेसिडेंट आएंगे तो जब वो खड़े होंगे आप खड़े होंगे, और जब वो बैठेंगे तब आप, और जब वो खाना शुरू करेंगे तब आप खाना शुरू करेंगे, और जो जब खत्म कर ले, भूखे रहो या कुछ भी रहो, आप भी बंद कर दो। पृथ्वी पे और राजाओं के राजा की क्या हालत, कैसा आया, कैसा रहा, कितने लोगों ने इज्जत करी उसकी, उसको थप्पड़ मारे, थूका उसके मुंह, कांटों का ताज पहना, बोले मार डालो इसको, मार डालो। स्वर्गदूत क्या सोचते होंगे? अरे प्रभु बोल इनको, सारों को बोले अभी टिका था, एक स्वर्गदूत सारे समय के लिए काफी था,
पिलातुस ने हेरोदेस ने सबको निपटा देता एक स्वर्ग, वो तो पूरी फौज। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यदि मैं चाहूं तो लेकिन स्वर्गदूत क्या सोचते हैं? और वही चीज वो इतना नम्र बना, वो नम्रता किस में चाहता है? वो हमारा आदर्श नम्रता के लिए कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम भी क्या बने? नम्र बने। इज़राइल को क्या चाहा उसने? नम्र बने, नम्र बने। मैं टाटा के लोगों के साथ जब काम करता था तो टाटा के लोगों का अपना गुरूर, वो दूसरे सर्जनों को ऐसा समझते थे कि ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। बिल्कुल वो मक्खी, हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ उन्हीं दिनों वही बॉम्बे में मैं भट्टाचार्य जी के साथ जुड़ गया हार्ट सर्जरी में। तो हार्ट सर्जरी में तो छोड़े, उनको बॉम्बे में किंग ऑफ सर्जन बोलते हैं, किंग ऑफ। तो टाटा वाले बोलो ना, दूसरे बोलो, सब जैसे वो भट्टाचार्य जी जैसे बोले, वो मैट्रन ऊपर से बोलती, ए तुम्हारा डैडी आ गया, तुम्हारा सब ऐसे चुप हो गए जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास में चुप हो गए, पहली दूसरी क्लास में बैठे हुए ऐसे सब चुप हो जाते। और वहां पे अपने सिर झुका करके धीरे धीरे, किसी ने उनको कोई विश करा तो ठीक। उन दिनों इनकम होती थी उनके 1-1 करोड़, अमिताभ बच्चन से ज्यादा टैक्स देते। सो लेकिन कैसे? सिर्फ नीचे। और वो मुझसे बोलते थे कि किससे लड़ाई नहीं लड़ सकते, परमेश्वर से लड़ाई नहीं लड़ सकते, जिसको जीवन देना चाहता है देगा, उससे क्या लड़ाई लड़ेंगे? क्या कोशिश करेंगे, अच्छा करेंगे। जीवन देना किसके बात में? सो परमेश्वर क्या चाहता था इनमें भी? आज की कलीसिया में क्या चाहता है परमेश्वर? और क्या चाहता है? और ये उसने तुझे भूखा रहने दिया, उसको मालूम था, बोले इसको थोड़ी सी तकलीफ दो। उनको नहीं मालूम था कि इनको खिलाना है, कितने प्राणी है? 50 लाख। 3 दिन भूखा रखा तो जितना मन में था ना सब भर के निकाला, जितना मन में भरा हुआ था ना परमेश्वर के प्रति, जितनी बुराहट थी ना, जितनी गालियां थी ना, सब गालियां ही निकली, गालियां ही निकली, क्योंकि थैंक यू था नहीं, थैंक यू था ही नहीं। परमेश्वर ने ये जानने के लिए कि इनके मन में क्या है, उनको क्या कर रखा? मात्र 3 दिन भूखा रखा, क्योंकि उसको मालूम था मैं क्या खिलाने वाला हूं इनको। लेकिन 3 दिन में इन्होंने प्यासा रखा, 3 दिन, मात्र 3 दिन। 3 दिन में सारी मुंह में मन में जो गालियां थी ना सब निकाल दी। और जब खाने को दिया ना, अब वो बोले मटन चलाएंगे, मटन लाओ। अब उनने बोला इतने बड़ों को कहां से मटन खिलाए, 25 लाख लोगों को क्या भेड़ बकरियां मारे हैं? इससे अच्छा तो सामने मिस्र था। परमेश्वर ने बोला है मटन के मैंने भर खाते रहे और इतना खाया मुंह से क्या निकलने लगे? तो जाके परमेश्वर क्रोधित है, क्योंकि आप थैंकफुल नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता कि आप क्या बने? नम्र बने, उसकी आज्ञाओं को पाले, उसको मानने में चौकसी करें। जो जोजी भाई अभी एक चीज बोल रहे थे ना, एक शब्द मैं बोलूं, वो शब्द मैंने वहां सीखा था, मन सबसे पहले क्या बदले, और मुझे परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलना है, किसी संस्था के पीछे ना, किसी रिलीजन के पीछे
कोई सीएनआई का, ना कोई मेथोडिस्ट का, ना कोई पेंटिकोस्टल का, ना कोई इसके पीछे चक्कर में नहीं रहना। स्वर्ग जब चलेंगे तो परमेश्वर ने कहां लिखा ऐसा कि ये ग्रुप के लोग ही आएंगे दूसरे ही नहीं आएंगे? ऐसा पूछा कि तेरा एजुकेशन क्या था? ये पूछा कि तेरी पोस्ट क्या थी? ये पूछा कि क्या तेरा इनकम कितनी थी? ये पूछा कि तेरे पास जमीन जायदाद कितनी थी, मकान कितने थे, सोना चांदी कितनी थी, कितनी एफडियां थी? ये पूछा क्या? नहीं ना। स्वर्ग में जाने के बाद हिसाब किताब में ये पूछा, बेटा आत्माएं कितनी जीती? आत्माएं? तू अमेरिका से, तू अफ्रीका से, तू एशिया से? ये पूछा नहीं, ये पूछा कि आत्माएं कितनी जीती तूने? सिर्फ जीवन का कंसर्न क्या है ये। और देखिए आगे क्या बोलता है वो तीसरे आयत में, उसने तुझे नम्र बनाया, तुझे भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिसे तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु वचन से जो यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से। और यही वचन किसने रिपीट करा? प्रभु यीशु मसीह अपनी परीक्षा के समय। और फिर क्या लिखा है, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने नहीं हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताना देता है वैसे ही तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको, यहोवा तुझको ताना देता है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर और उसका, क्योंकि जिस देश में तू जा रहा है वो स्वर्गीय देश में भी परमेश्वर क्या चाहता है? ओबीडियंस तो चाहता ही। और ये ओबीडियंस किससे सीखना हमको? प्रभु यीशु मसीह। वो आज्ञाओं के प्रति इतना संवेदनशील रहा कि अपने प्राण दे दिए, लेकिन आज्ञा नहीं थोड़ी, पिता के प्रति इतना विश्वास, नम्रता में, आज्ञा पालन में, डिसिप्लिन, तीसरा चीज डिसिप्लिन। और ये चीजें हमें कहां भी काम आएंगी? स्वर्ग, स्वर्ग में। मुझे 26 जनवरी को दो जगह बोलना था तो मैंने, मेरे मन में यही आया, यदि एक आदमी को स्वतंत्र कर दिया जाए और उसको बोला जाए जी तेरी मर्जी से, एंड क्या होगा मालूम? हिंदी में कहावत बोलते हैं कि जब सियार की मौत आती तो कहां भागता? शहर की। मौत आए तो कहां भागे? शहर का सिस्टम नहीं मालूम है कैसे चलता है शहर। शहर वाले ट्रक सोचते नहीं है कि भाई आ गया तो बोले ऐसे तो कहीं आ जाएंगे, क्या ट्रक को भिड़ाऊं गिराऊं? वो इंसान को भी नहीं सोचते, बोल जाता है तो जाने दे। यदि लाइफ विदाउट डिसिप्लिन रहे, बिना आज्ञाकारी के रहे, तो एक शब्द है डिजास्टर। क्या शब्द है? डिजास्टर, सर्वनाश, सर्वनाश। और यदि डिसिप्लिन है तो फिर क्या है? डिसिप्लिन है तो राष्ट्र को, व्यक्ति को, परिवार को, खुद के व्यक्तिगत जीवन को क्या बनाता है? महान बनाता है। डिसिप्लिन मेक्स द पर्सन ग्रेट। हिटलर भले ही बुरा आदमी मानते हो, लेकिन पूरा हिटलर का जर्मनी कैसा था? सोना भी घंटी से टन टन बजी, सो सुबह कितने बजे उठना है? 5 बजे।
पांच बजे उठना है। डिसिप्लिन मेक्स द पर्सन ग्रेट। स्वर्गीय जीवन में क्या चाहिए? सो हम तीन चीज सीख के जा रहे, नम्र, ओबीडियंस और डिसिप्लिन। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में हम इसमें आगे बढ़ते। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने इसराइलियों को इतनी आशीष दी और वर्तमान में भी वो आशीष आपने नहीं छोड़े, आपने अपनी हवा नहीं छोड़ी, आपने चाहे धर्मी या अधर्मी दोनों पर अपना सूर्य उगाया, दोनों को ऑक्सीजन दी, दोनों को पानी दिया, लेकिन अलग अलग व्यवहार हम देख नहीं पाते। पिताजी आप हमारी सेंस को खोलें कि हम इन बातों को समझ पाए, हमारी आत्मिक आंखों को खोलें कि हम आपको निहार पाए, हमारे आत्मिक कानों को खोलें कि हम आपकी वाणी को सुनने पाए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा और हमें परीक्षा बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा करे। आमीन। यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पे चमके और तुझ पे अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। There is no other.